स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल टेक बाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एमएस पावर पॉइंट का यूज करके किसी भी इमेज या पिक्चर को सर्कुलर क्रॉप किस तरीके से कर सकते हैं या फिर स्टाइलिश क्रॉप किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करो, पिक्चर फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर देना है और उसके बाद पहले इसको आप क्रॉप कर लीजिएगा। तो हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, तो जितना हमको शेप चाहिए इतना हमने इसको क्रॉप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे क्रॉप पे और उसके बाद क्रॉप टू शेप पे क्लिक करोगे और शेप सेलेक्ट कर लीजिएगा किस शेप में आपको क्रॉप करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिए हुए, तो किसी भी शेप में आप क्रॉप इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ओवल में हमको चाहिए तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी आपको एस्पेक्ट रेशियो चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हम जो ओवल फॉर्मेट है शेप का, इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं इसमें और उसके बाद एंटर कर देते हैं, तो ये सर्कुलर क्रॉप हो गया। अब आपको क्या करना है, पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लीजिए, जो पिक्चर बॉर्डर है उसका कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्या कलर आपको चाहिए, तो जो भी कलर आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मूव भी कर सकते हैं इसको। बाकी पिक्चर इफेक्ट, तो पिक्चर इफेक्ट डालना चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो, इस तरीके से पिक्चर इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें मेरे को अगर डिफरेंट शेप चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद क्रॉप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रॉप टू शेप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी वो चाहिए शेप आपको, तो वो शेप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे सिंपली मेरे को ये शेप चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से शेप आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बाकी ये जो शेप है इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करके कलर आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये पूरी जानकारी है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।